शहर के विभिन्न स्थानों पर अक्सर बदबूदार और गंदा पानी आना कोई आम बात नहीं है, लेकिन जल प्रदाय के संसाधनों के उचित रखरखाव ना होने की वजह से यह समस्या आए दिन बनी रहती है। इसी मामले को अधिवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने बड़ा गणपति पर अनूठा प्रदर्शन करते हुए जाहिर किया है। इस अनूठे प्रदर्शन में एक बार फिर से द्विवेदी ने शेख चिल्ली वाटर काउंटर लगाया, जिसके माध्यम से उन्होंने सील बंद पानी के बोतल मात्र एक रुपए में लोगों को उपलब्ध कराए। साथ ही उन्होंने नल से आया हुआ गंदा पानी दिखाते हुए कहा कि अगर शहर के जिम्मेदार अधिकारी इस तरह के पानी को पीते हैं तो 3100 रुपये नगद पुरस्कार दिया जाएगा। आप स्वयं पत्रकार लोग हैं, रोज खबरें छाप रहे हैं कि यहाँ पर सीवरेज का मिला हुआ पानी आधा घंटा, यहाँ बदबूदार पानी आधे घंटा, यहाँ पानी मिला ही नहीं, ड्रेनेज मिली हुई है और पानी मिला ही, लोग बीमार पड़ रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं कि मिलावटी पानी है। इंदौर जहाँ नर्मदा का प्रथम चरण कांग्रेस जब लेके आई थी तो जगह जगह प्याऊ लगते थे और प्याऊओं से नर्मदा का पानी सीधे मटकों में भरा जाता था और लोग प्याऊ से पानी पीते थे। आज मैं ये खुलेआम मेरा चैलेंज है कि एक भी अधिकारी नर्मदा का पानी पी के आकर के पी जाए 3100 रुपये ले ले, क्योंकि मैंने आज नर्मदा का पानी यहाँ बाल्टी में भर के रखा है और आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। इंदौर में आज अधिकारी बिस्लरी का पानी पीते हैं, 500 रुपये वाली बोतल पीते हैं, छोटे अधिकारी 5 रुपये वाली बोतल पीते हैं, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? पानी का तो कोई बजट नहीं अधिकारियों का, तो काला धन है, किससे आ रहा है? और ये अगर बोतल बंद पानी आ रहा है, ये लोग पानी को साफ करके बेच सकते हैं, तो नर्मदा नदी से, महेश्वर से, ओंकारेश्वर से चला हुआ पानी इंदौर की पानी की टंकियों में पहुंचते पहुंचते गंदा और मटमेला या बदबूदार कैसे हो जाता है, क्यों होता है? इसका मतलब है कि सीवरेज का लाइन नर्मदा की लाइन से मिली हुई है। खुद सांसद ने स्वीकार किया कि उसने 125,000 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया है, 48% लोग बीमार पाए गए हैं, वो भी काय से, उच्च रक्तचाप, पेट, अन्य बीमारियां, और अभी आप डॉक्टरों के यहाँ देखेंगे तो लाइनें लगी हुई हैं। मेरा खुला चैलेंज है, पानी के नाम पर बहुत बड़ा खेल चल रहा है। वो संदीप श्रीवास्तव करोड़ों रुपए के फर्जी बिल बनाता है, भारतीय जनता पार्टी के बड़ी कंपनियों से, बड़े नेताओं की बड़ी कंपनियों से साठ गांठ है। इंदौर के लोग जब गंदा पानी पिएंगे तब वो बोतल बंद पानी पीने के लिए आगे बढ़ेंगे, बोतल बंद पानी साफ मिल रहा है तो इनको कहाँ से पानी मिल रहा है? इंदौर में पानी का संकट है और इनको पानी कहाँ से मिल रहा है? सवाल ये है, इसलिए आपने अपनी दुकान का नाम क्या रखा है? शेख चिल्ली। और ये शेख चिल्ली जो सपना देखता था, तो शिवराज ने 18 साल से अधिक समय तक तो इंदौर को सपना दिखा दिया। सन 2000 से भारतीय जनता पार्टी के महापौर बनते आ रहे हैं, उन्होंने इंदौर को सपना दिखाया, 23 साल हो गए। अरे 23 साल में तुम नदी को नाले में बदल गए, जो शुद्ध पानी के प्याऊ लगते थे, लोग पानी पीते थे, उसको आपने बंद करके ड्रेनेज का पानी भरवा दिया, तो आप शेख चिल्ली हुए कि नहीं हुए? आज किन किन अधिकारियों को, कमिश्नर से लेकर के आयुक्त, आयुक्त से लेकर के जोनल अधिकारी, सारे अधिकारियों को खुला चैलेंज दे रहा हूँ, आओ और ये बाल्टी का पानी पी के बता दो कितना इनाम बता। 3100 रुपये का, हमें तो आप प्रेस क्लब वालों को भी ये चैलेंज दे रहे हो, पी के बता दो यही पानी पी के बता दो, जनता पी रही है, आपके घर वाले भी पी रहे हैं। लोकतंत्र में सबसे बड़ी आवाज आपकी होती है और आप लोग लगातार चिल्ला रहे हैं कि ड्रेनेज मिला हुआ पानी आ रहा है, इसके पीछे खेल क्या है? तो इसके पीछे बहुत बड़ा खेल है और ये खेल है करोड़ों के भ्रष्टाचार का। आपका नाम? प्रमोद कुमार द्विवेदी।